नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कंप्यूटर क्लासेस पर। इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इंडे के 2020 का उसी का एक मैं रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि जो मेडिकल चल रही है इंडियन एयरफोर्स के जो अंतिम पड़ाव पर हैं। बिल्कुल 2 से 3 दिन और मेडिकल होंगे, उसके बाद आपका री मेडिकल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 6 जनवरी से जो सेकेंड इंटेक है 2020 का उसके जो मेडिकल प्रारंभ हुए थे। तो आइए चलते हैं अमला पर। तो एक कैंडिडेट ने रिव्यू शेयर किया है, तो उसी को मैं बताने वाला हूँ आपको। तो एक कैंडिडेट ने बताया कि कुल मिलाकर जो भाई मुझे भी अपना रिव्यू देना है अमला का 18 का। तो कुल मिलाकर जी 18 जनवरी का रिव्यू है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यूजुअल हमारी रिपोर्टिंग 6 बजे की थी, तो इनकी जो रिपोर्टिंग थी वो 6 बजे थी, लेकिन आपके जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर 6:30 बजे मेंशन किया गया होता है, तो उनकी जो एंट्री थी 6 बजे प्रारंभ हो चुकी थी आंवला सेंटर के अंदर 18 जनवरी को। तो आज हम इसे देख सकते हैं, समय का बहुत ही ध्यान रखें आप, जिस समय आपको वहां बुलाया गया उससे हाफ आवर ही पहले पहुंच जाएं, जिससे कि आपको वहां कोई दिक्कत ना हो। टोटल 45 लड़कों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 42% थे। तो आप यहां से देख सकते हैं, कुल मिलाकर अभी तक जितने एएससी हैं, जितने एफएच हैं, कुल मिलाकर 45 कैंडिडेट को ही कॉल अप किया गया है प्रत्येक एएससी के अंदर और प्रत्येक दिन। और कुल मिलाकर उसमें से 3 ऐसे कैंडिडेट रहे जो एब्सेंट रहे थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, टोटल तो 43 रिपोर्ट थे, लेकिन एक लड़के के वापस भेज दिया था। यानी कुल मिलाकर 43 कैंडिडेट आए थे, लेकिन एक लड़के को वापस भेज दिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ एक केवल और केवल एक गड़बड़ी के कारण एक कैंडिडेट को बिना मेडिकल के ही वापस भेज दिया। तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, तो डॉक्यूमेंट्स में आप अपना आधार कार्ड और जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसका साथ ले जाएं, और जिससे कि वहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इतनी मेहनत करने के पश्चात इस स्टेज तक पहुँचते हो, और इस स्टेज पर आकर डॉक्यूमेंट्स में आप निकाले जाते हो, तो इससे निराशाजनक कोई बात नहीं हो सकती है। बहुत ही नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं आप यहाँ से, कि डॉक्यूमेंट्स में ही पहले ही कैंडिडेट को बाहर कर दिया एक को। तो हम लोगों की एंट्री होने के बाद हम लोगों से कुछ फॉर्म भरवाए गए, तो यहाँ से इन्होंने बताया था कि जब इनकी एंट्री हो गई थी तो इनसे कुछ फॉर्म फिलअप कराए गए थे। आपके जो फॉर्म कराए जाते हैं, आपका जो एक्सरे होता है उसका भी फॉर्म भराया जाता है, और एक मेडिकल प्रोसेस और होता है उसका भी आपसे फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं कुछ जो इंडियन एयरफोर्स के जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा। तो उन्होंने बताया था, उसके बाद 2 ग्रुप बनवाए गए, यानी कुल मिलाकर 42 कैंडिडेट थे, और 2 ग्रुपों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, यानी प्रत्येक ग्रुप में 21 कैंडिडेट रखे गए थे। उन्होंने बताया, हमारे ग्रुप का पहले ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद यूरिन टेस्ट, वेट चेक हुआ, और फिर हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने भेज दिया। तो उन्होंने बताया था कि इनका जो ग्रुप था, सबसे पहले इनके ग्रुप का ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद इनका यूरिन टेस्ट हुआ, फिर इनका वेट देखा गया, और फिर इन लोगों का ब्रेकफास्ट करा दिया गया। तो ब्रेकफास्ट कराने के बाद ही दोबारा से ब्लड टेस्ट करते हैं कि आपके ब्लड में कहीं ब्लड शुगर तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। ये सब कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो आप अपने खान पान पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि आपके जो बीपी, ब्लड, यूरिन में किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट ना मिले। तो पहले से इंस्ट्रक्शन में, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा बता दिया जाता है, कि आपको 14 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, केवल और केवल पानी पीना है। इसी के लिए वह पहले से इंस्ट्रक्शन देते हैं आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। तो आप इन्होंने बताया कि, और फिर लेग्स, आर्म, शोल्डर और चेस्ट एक्सरे हुआ। तो उन्होंने बताया था कि इसके बाद इनकी टांगें, बाहें, शोल्डर और चेस्ट एक्सरे, जो एक्सरे होता है आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है मेडिकल के अंदर, जब आपका एक्सरे होता है तो इनकी टांग लेंथ, यानी आपकी जो टांग होती है उसकी लंबाई चेक की जाती है, आर्म यानी हैंड बैंड भी चेक किए जाते हैं। फिर उन्होंने बताया, फिर हम लोगों को आई टेस्ट हुआ, यानी फिर इनके ग्रुप, जो इनका ग्रुप था उसका आई टेस्ट हुआ। वो लोग बहुत अच्छे से आई टेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था, जो आई है बहुत ही अच्छे तरीके से वह चेक कर रहे हैं, यानी बहुत ही बारी तरीके से वह चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसकी आई 6x6 है और 6x9 है उनका तो ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि कितना आई चलेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक कैंडिडेट आए हैं 6x6 और 6x9 है तो ठीक है, लेकिन अगर 6x12 है तो वो लोग
3 से 4 बार टेस्ट करते हैं और जब तक कन्फर्म नहीं हो जाते हैं कि ठीक है तब तक चेक करते हैं, मशीन से भी चेक कर रहे हैं। तो जिस कैंडिडेट की आई 6x6 की होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6x9 की होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6x12 की होती है तो आपकी 3 से 4 बार वहाँ आई चेक करते हैं कि आपके आई में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यदि उनको कुछ प्रॉब्लम भी मिलती है वो मशीन से भी चेक करते हैं, उन्होंने बताया था। उसके बाद हम लोगों का ECG हुआ और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसमें ही बने हैं। तो शुरू से देखा जाए और एंड तक यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैं पहले से इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, पहले से आपको एक सजेशन दे चुका हूँ कि ECG के दौरान आपकी जो बॉडी पर 12 चैम्बर वाली मशीन लगा दी जाती है तो आपको एक अजब सी फीलिंग होती है, इसके कारण आपको जो ECG है एबनॉर्मल हो जाती है। तो आप पहले से ही जब आपकी ECG हो अपने माइंड को वहाँ से हटाएं, किसी कॉमेडी पर लगाएं, किसी हंसी मजाक वाली जगह पर ले जाएं, अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई गाना गुनगुना सकते हैं, लंबी सांस गहरी सांस छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ECG है वह नॉर्मल हो जाए। तो देख सकते हैं आप यहाँ से इन्होंने बताया ECG में सबसे ज़्यादा पॉइंट बने हैं। तो उन्होंने लास्ट मेन पार्ट चेक हुआ, बहुत अच्छे से चेक करते हैं। तो उन्होंने बताया था जितने भी मेडिकल पॉइंट चेक करते हैं, ये मेन पार्ट्स मतलब जो प्राइवेट पार्ट होते हैं आपके, वह चेक किए गए हाइड्रोसेल पाइल्स वगैरह, तो जितने भी मेडिकल पॉइंट्स होते हैं बहुत ही बारीकी तरीके से चेक करते हैं और जरा सी भी गलती है तो तुरंत पॉइंट दे देते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत पॉइंट बनता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर थोड़ी सी भी आपकी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी इश्यू है आपकी बॉडी पर, तो तुरंत आपको मेडिकल पॉइंट वहाँ मिल जाता है। तो उन्होंने बताया भाई टोटल 17 को ग्रीन कार्ड मिला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 42 प्रेजेंट थे, 42 में से 17 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, जबकि 25 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको रेड कार्ड मिल चुका है, यानी इनको दोबारा से रीमेडिकल देना पड़ेगा। आई एम वन ऑफ देम, तो उन्होंने बताया इनमें से एक मैं हूँ। तो इन कैंडिडेट को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये अपना स्थान PSL में भी कन्फर्म कर पाएंगे आई होप। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और भाई सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ECG में बने हैं, टोटल 20 पॉइंट्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ECG में 20 लोगों के पॉइंट बने हैं। तो 20 कैंडिडेट के पॉइंट बनना बहुत ही बड़ी बात है ECG में। तो ECG आपकी ख़राब, आपकी एबनॉर्मल जो आती है इसी के कारण आती है, आपके जो नर्वस हो जाते हैं, आपके नर्वस होने के कारण ECG ख़राब हो जाती है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसके कारण आपकी जो ECG है वह ख़राब हो जाती है। तो जब आपकी ECG हो तो आप ध्यान रखें, आप किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, ECG होने से पहले पानी पिए जिससे कि आपको वहाँ कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। आप अपने फिजिकल तो वहाँ हो लेकिन माइंड को कहीं और ले जाएं जिससे कि आपकी ECG ख़राब ना हो। तो आप यहाँ से देखते हैं कई लड़कों को 3 से 4 पॉइंट मिले हैं, तो कई ऐसे लड़के हैं जिनको 3 से 4 पॉइंट भी मिले हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि उनको 3 से 4 पॉइंट मिले हैं, कई कई बार क्या होता है कि 3 से 4 पॉइंट भी कट जाते हैं, कई कई बार क्या होता है कि 1 पॉइंट भी नहीं कटता। जो हार्ड पॉइंट होते हैं वह नहीं कट पाते और लेकिन वो नॉर्मल पॉइंट होते हैं, आपका ECG देखा जाए तो 50-50 चांस होते हैं कटने के। तो बहुत से ऐसे कैंड रहे हैं जिनको 3 से 4 पॉइंट बने हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 को आई में पॉइंट मिला है, तो 4 ऐसे लड़के रहे हैं जिनको आई में पॉइंट मिला है, 3 को हाइड्रोसेल का और 1 को पाइल्स का। तो 3 ऐसे कैंड रहे हैं जिनको हाइड्रोसेल और 1 को पाइल्स में पॉइंट मिल चुका है, 1 को ईयर में वैक्स था। तो मैं पहले से ही आपको सजेशन दे रहा हूँ, जब से मैं रिव्यू शेयर कर रहा हूँ आपके साथ 6 तारीख से, तो प्रत्येक वीडियो में आपको एक सजेशन देता हूँ कि जो ईयर है उसको वैक्स फ्री करके जाएं, उसको वैक्स फ्री करके जाएं। लेकिन बहुत से कैंड फिर भी इसको इग्नोर करते हैं और अपना फ्री में पॉइंट बनवा लेते हैं और जिनको फिर से दोबारा भागदौड़ करनी पड़ती है। तो उन्होंने बताया था 2 को DNS में पॉइंट मिला है, तो DNS का पॉइंट नॉर्मल होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन को कराने के पश्चात आपका जो DNS है वह पॉइंट क्लियर हो जाता है, या 22 से 23 दिन में जो DNS का ऑपरेशन होता है वह सक्सेस हो जाता है। तो उन्होंने बताया था 1 की फिंगर थोड़ी टेढ़ी थी तो उसको काफ़ी देर तक देखा और फिर छोड़ दिया, उसको पॉइंट नहीं दिया। तो उन्होंने बताया था एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी फिंगर थोड़ी टेढ़ी थी लेकिन उसको काफ़ी बार चेक किया और बहुत देर तक चेक करने के पश्चात उसको छोड़ दिया। तो इसके पश्चात उन्होंने बताया
भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि प्लीज सेव करके जरूर जाएं। तो आप यहां से देख सकते हैं इनकी एक सजेशन देख सकते हैं, पहले से ही जो कैड रिपोर्टिंग करने वाले हैं जिनकी अभी मेडिकल नहीं हुआ है, तो इन्होंने बताया था कि सेविंग जो आपकी सेव है वो जरूर करके जाएं, सही से बात करके जाएं, यानी आप स्नान करके जाएं तो अच्छी तरीके से करके जाएं, और किसी को आई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर लिखवा जाएं। तो आप यहां से इनकी बात नोट कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से सेव करके जानी है, अच्छी तरीके से जब आप रिपोर्टिंग करने हो तो आपको बॉडी को क्लियर करके जाना है, और जो आपकी आई में प्रॉब्लम है तो पहले से ही जो डॉक्टर हैं उससे डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके जाएं, जैसे कि आपको वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा दें और आपको कोई पॉइंट ना मिले। तो इसके बाद और हाँ, एक को नौकनी और एक को स्वीट पॉम में भी पॉइंट मिला है, लेकिन भाई में बच गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक ऐसा केड रहा है जिसको नौकनी में पॉइंट मिला है, एक ऐसा कैंडिडेट रहा है जिसको स्वीट पॉम में भी पॉइंट मिल चुका है। तो नौकनी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। स्वीट पॉम में भी एक ट्यूब आता है जिसको आप डेली यूज़ करते हो, तो स्वीट पॉम का भी पॉइंट कट जाता है जब आपके हाथ की जो हथेली है उस पर पसीना का ये पॉइंट होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, भाई मेरा एक्स ग्रो में 48.75 नंबर है और वाई में 43.25 नंबर है। भाई प्लीज़ बताना, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो इनके इनफ मार्क्स थे, इनसे इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। PSL में इनकी रैंक भी बनेगी अच्छी खासी, आप यहाँ से इनके नंबर देख सकते हैं। एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई थी 28 गई थी, जबकि वाई ग्रुप की 33 गई थी, तो इनके जो मार्क्स हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इनकी रैंक भी बनेगी। और लड़कों को कह देना कि सेव करके ज़रूर जाएं, वो लोग बहुत चिल्लाते हैं और नंगा करके मुर्गा बना देते हैं, तो आप यहाँ से इसको भी पॉइंट कर सकते हैं। जो बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपकी जो सेव है उसको जरूर करके जाएं, वरना आपको वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ से इनकी पिक भी देख सकते हैं, ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है 18 जो जनवरी है, आमला सेंटर से इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, उनके नंबर भी इनफ है, तो ये PSL में रैंक बनेगी, इनकी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।